वेलकम बैक टू रश्मि राजू रॉस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आजकल की जो प्रैक्टिसेस चल रही है वो एविडेंस बेस्ड होने लगी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मीन बाय एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल टू गाइड clinical decision making and it shifts the provision of healthcare away from opinion, past practices and precedent towards a more scientific basis. इसमें सबसे पहले evidence का मतलब अगर हम देखें तो it means proof or available body of facts or information or anything that helps to prove that something is true और समथिंग इज नॉट ट्रू, राइट? तो इसे हम एविडेंस कहते हैं। नाउ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बेस्ट एविडेंस को हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू गाइड क्लिनिकल डिसीशन मेकिंग, राइट? क्लिनिकल साइड अच्छा डिसीशन मेकिंग करने के लिए हम इसमें बेस्ट एविडेंसेस को यूज करते हैं। आगे, एंड इट शिफ्ट्स द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर अवे फ्रॉम ओपिनियन, पास्ट प्रैक्टिसेस। पास्ट प्रैक्टिसेस जो पुराने जमाने से प्रैक्टिसेस चली आ रही है, वो जिसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, अवे फ्रॉम, जिनको दूर ले जाना या जिनको निकाल देना, एंड प्रेसिडेंट टूवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक बेसिस। पुराने प्रैक्टिसेस को, एविडेंस को निकाल कर मोर साइंटिफिक बेसिस की तरफ पढ़ना। दिस इज व्हाट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज। सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, अप्रेजल एंड अप्लाइंग द बेस्ट एविडेंस फ्रॉम द नर्सिंग एंड मेडिकल लिटरेचर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस। इट मीन्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नर्सिंग एंड मेडिकल लिटरेचर से बेस्ट एविडेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अप्लाई करते हैं। कहाँ, किसके लिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, राइट? क्लिनिकल साइड नर्सिंग प्रैक्टिसेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप नंबर वन, फॉर्मुलेटिंग अ क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। इट मीन्स एक क्लियर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना जो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो, और प्रॉब्लम ही ना हुई तो हम उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले वी नीड टू फॉर्मुलेट अ क्लियर क्वेश्चन जो किसी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो। क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम बेस्ड सोर्सेस, सेकंड इज नॉलेज बेस्ड सोर्सेस, राइट? प्रॉब्लम बेस्ड सोर्सेस से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू क्लिनिकल प्रॉब्लम, राइट? क्लिनिकल साइड अगर आप जॉब करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं कि एक डिपार्टमेंट में बेड्स और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पेशेंट में, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? क्लिनिकल प्रॉब्लम, उसको हमें अब ट्रीट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज नॉलेज बेस्ड सोर्सेस। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, या फिर कोई जर्नल या थियोरेटिकल आर्टिकल पढ़ के आप कोई क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, तो दैट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। हमने प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, राइट? तो क्लियर क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक मॉडल हेल्प करता है जिसका नाम है पीको मॉडल। इन दैट पी स्टैंड्स फॉर पेशेंट पॉपुलेशन, किस टाइप के पेशेंट्स को हमें ट्रीटमेंट देनी है। आई स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल इंटरवेंशन, किस टाइप की ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को देनी है, वो इंटरवेंशन आपको सिलेक्ट करना है। सी स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। इट मीन्स जिस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, राइट? ट्रीटमेंट देने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स हम ऐसे दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं
जिस ग्रुप को हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, राइट? ऐसे ग्रुप को जिसे हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप या कंपैरिजन ग्रुप। हमारी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो दूसरा ग्रुप हमें चाहिए कंट्रोल ग्रुप या कंपैरिजन ग्रुप कंपेयर करने के लिए। ओ स्टैंड्स फॉर डिजायर्ड आउटकम। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एविडेंस बेस्ड आउटकम हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट क्या चाहते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2, लिटरेचर रिव्यू टू सर्च बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। इट मीन्स बेस्ट अवेलेबल एविडेंस को सर्च करने के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, मीन्स पुराने लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। ये हम इंटरनेट थ्रू कर सकते हैं, जर्नल्स या कोई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स रीड करके कर सकते हैं। फॉर द लिटरेचर रिव्यू वी कैन स्टार्ट विद थियोरेटिकल एंड क्लिनिकल आर्टिकल्स टू हैव एन ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसर्न। वी शुड रीड दिस आर्टिकल क्लियरली बिकॉज समटाइम्स एरर और बायस कैन अकर इफ इट्स इनकम्प्लीटली स्टेटेड। लिटरेचर रिव्यू के लिए हमारा जो टॉपिक रिलेटेड थियोरेटिकल और क्लिनिकल आर्टिकल्स होते हैं उसे हमें रीड करना चाहिए, एंड इन आर्टिकल्स को हमें क्लियरली एग्जामिन करना चाहिए, बिकॉज अगर ये आर्टिकल ही आधे अधूरे होंगे, राइट, तो हमारे चांसेस हैं कि हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसमें भी एरर आ सकती है। दिस इज स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एविडेंसेस। स्टेप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया, स्टेप नंबर 2 में बेस्ट एविडेंसेस को निकालने के लिए हमने लिटरेचर रिव्यू किया जिससे हमको बेस्ट एविडेंसेस मिले। अब स्टेप नंबर 3, इस स्टेप नंबर 3 में जो बेस्ट एविडेंसेस हमको मिले हैं उसके स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करनी है। देर आर सेवरल रेटिंग स्केल्स प्रपोज टू डिटरमाइन द वैलिडिटी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस। एविडेंसेस को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे रेटिंग स्केल्स होते हैं जिनसे हम उनकी वैलिडिटी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को चेक कर सकते हैं। तो ये हमें करना है जिससे हमें पता चले कि हमारे एविडेंसेस जो है वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद। नाउ स्टेप नंबर 4, यूज ऑफ बेस्ट एविडेंसेस इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। इट मीन्स जो बेस्ट एविडेंसेस हमें मिले हैं एनालिसिस के बाद उनको हमें यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पर, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। सो स्टेप नंबर 4 इज इम्प्लीमेंटिंग स्टेप, राइट, इम्प्लीमेंटेशन करना है। नाउ स्टेप नंबर 5, इवैल्यूएटिंग द एफिकेसी ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस। इट मीन्स जो बेस्ट एविडेंसेस हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस साइड, राइट, इम्प्लीमेंट किए हैं उसका इवैल्यूएशन करना है कि वो कितने इफेक्टिव हुए हैं, हमें क्या रिजल्ट मिला है। फाइनली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूजफुल फाइंडिंग्स फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, एफिकेसी एंड परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑडिट और पीयर असेसमेंट, राइट। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑडिट और पीयर असेसमेंट ये टेक्निक्स है जिससे आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं आपके बेस्ट एविडेंसेस का। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। फर्स्ट पर्पस इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज एन अप्रोच दैट ट्राइज टू स्पेसिफाई द वे इन विच प्रोफेशनल्स और अदर डिसीजन मेकर्स शुड मेक डिसीजंस बाय आइडेंटिफाइंग सच एविडेंस दैट देयर मे बी फॉर अ प्रैक्टिस एंड रेटिंग इट अकॉर्डिंग टू हाउ साइंटिफिकली साउंड इट मे बी। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक ऐसी अप्रोच है जिसका पर्पस है कि प्रोफेशनल्स, डिसीजन मेकर्स या रिसर्चर्स अपनी डिसीजन मेकिंग बेस्ट एविडेंसेस को लेकर इम्प्रूव करें, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो साइंटिफिकली साउंड हो, मींस साइंटिफिक वे में बेस्ट एविडेंसेस को यूज़ करके प्रैक्टिस इम्प्रूव हो। नेक्स्ट पर्पस इज Its goal is to eliminate unsound or excessively risky practices in favor of those that have better outcomes. ऐसी unsound और risky practices, right, जो nursing care की quality को improve नहीं कर रही, या ऐसी practice जिसका benefit बहुत कम हो रहा है, ऐसी practices को eliminate कर देना, निकाल देना।
और इस जगह ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करना जिसके बेटर आउटकम्स हमें मिलते हैं, राइट, बाय यूजिंग बेस्ट एविडेंसेस. सो दिस इज़ द गोल ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स बेटर पेशेंट आउटकम. हीटर एंड कॉलिक्स रिपोर्टेड दैट पेशेंट्स हु रिसीव रिसर्च बेस्ड नर्सिंग केयर मेक साइजेबल गेन्स इन बिहेवियरल नॉलेज एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोसोशल आउटकम्स कंपेयर्ड विद दोज रिसीविंग रूटीन नर्सिंग केयर. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का जो अप्रोच है उसने पेशेंट के अच्छे आउटकम्स के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. हीटर एंड कॉलिक्स ये बताते हैं कि रूटीन नर्सिंग केयर लेने वाले पेशेंट्स, अगर उनके साथ हम कंपेयर करें ऐसे पेशेंट्स को जो रिसर्च बेस्ड नर्सिंग केयर ले रहे हैं, उनमें बिहेवियरल नॉलेज, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोसोशल जो आउटकम्स देखे गए हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है. नेक्स्ट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी एंड मोस्ट कॉस्ट इफिशियंट नर्सिंग केयर पॉसिबल. अल्टीमेट पर्पस यही है इसका कि प्रोफेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए हाईएस्ट क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें एंड इस नर्सिंग केयर को कॉस्ट इफिशियंट बनाए. इट मीन्स मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट, मीन्स कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट मिलना विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी नर्सिंग केयर. सो ये थे हमारे पर्पस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे व्हाट आर द बैरियर्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वी कैन सी. बैरियर मीन्स रुकावटें. ऐसी कौन सी रुकावटें आती है व्हाइल डूइंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. तो फर्स्ट इज ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लिटरेचर एंड समटाइम्स कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च स्टडीज फर्दर क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग प्रैक्टिशनर्स. ये भी एक बैरियर है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है थ्रू लिटरेचर रिव्यू, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी मिलती है लिटरेचर मिलते हैं जिनके फाइंडिंग्स जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हमें मिलते हैं एक दूसरे के अपोज में. अब रिसर्चर के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात होती है कि कौन से बेस्ट एविडेंसेस हम चूज़ करें. तो दिस इज़ द वन ऑफ द बैरियर वाइल डूइंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी टू क्रिटिकली अप्रेज रिसर्च. दिस इंक्लूड्स हैविंग अ कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ रिसर्च इवेल्युएशन स्किल्स एक्सेस टू जर्नल्स एंड क्लिनिक और हॉस्पिटल सपोर्ट टू स्पेंड टाइम ऑन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग आर लिमिटेड फॉर द नर्सेस. रिसर्च को साइंटिफिक वे में कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर के पास रिसर्च इवेल्युएशन स्किल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं. अगर ये इवेल्युएशन स्किल्स उसमें नहीं है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी टू क्रिटिकली अप्रेस रिसर्च, रिसर्च को इवेल्युएट करने के लिए, तो ये एक बैरियर हो जाता है हमारे लिए. बिकॉज ये स्किल्स से हम जर्नल्स को असेस कर सकते हैं, बेस्ट एविडेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं. और कभी कभी ये भी देखा गया है कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो है, राइट, वो क्लिनिक और हॉस्पिटल ड्यूटी से एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की रिसर्च करने के लिए या एविडेंसेस को गैदर करने के लिए, या फिर हॉस्पिटल साइड से सपोर्ट इतना नहीं मिल पाता है टू स्पेंड टाइम ऑन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग. तो दिस इज़ द बैरियर फॉर द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोसेस. नेक्स्ट बैरियर इज लैक ऑफ टाइम, वर्कलोड प्रेशर्स एंड कंपेयरिंग प्रायोरिटीज ऑफ पेशेंट केयर. इसमें भी यही देखा गया है कि प्रोफेशनल्स के पास अगर लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी है, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, या फिर पेशेंट केयर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ऐसे में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करना. नेक्स्ट बैरियर इज़ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बैरियर्स इन प्रमोशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस. इट मीन्स रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, राइट, तो उसका भी अगर नॉलेज कम है रिसर्चर में तो ये भी एक बैरियर हो जाता है कि वो ठीक से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोसीड नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस.
एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी इन द रिसर्च एरिया। कभी कभी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमें किसी की हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो प्रोफेशनल कलीग्स या ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प नहीं कर पाते ऐसे टाइम, तो ये एक हमारे लिए बैरियर हो जाता है। अदरवाइज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो अगर रिसर्चर में, तो ये भी रिसर्च एरिया के लिए बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ रिसर्च इन सम एरियाज ऑफ नर्सिंग विच इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। दिस इज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम रिसोर्सेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ नर्स रिसर्चर एंड कल्चर बैरियर्स। हम ये जनरली देखते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं अभी जहाँ पे रिसर्च की थोड़ी शॉर्टेज है, राइट, जहाँ पे रिसर्च स्टडी ठीक से कंडक्ट नहीं की गई है। तो ये रिसर्च स्टडीज़ मेनली हेल्पफुल होती है जो ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस है उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए, राइट। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वो टाइम नहीं मिलता उन्हें करने का, रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, या ट्रेनिंग प्रॉपरली उन्हें नहीं दी जाती है, राइट, या कल्चर बैरियर्स की वजह से हम रिसर्च कंडक्ट नहीं कर पाते। तो ये सारे रीजंस हैं कि इस प्रोफेशन के अंदर कहीं कहीं पे रिसर्च की शॉर्टेज देखी गई है। तो इसमें हमें इन्हें सपोर्ट करना है, ऐसे रिसर्चर्स को, प्रोफेशनल्स को, कि वो अपना टाइम एविडेंस बेस्ड रिसर्च को दे पाए। नेक्स्ट इज चेंज ऑलवेज फेसेस द रेजिस्टेंस एंड द सेम इज ट्रू फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वेल। दिस इज बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस टू बिलीव रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च स्टडीज ओवर सेफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस। इसका मतलब कि चेंज, बदलाव, राइट, किसी भी चीज़ में बदलाव आए या किसी प्रोफेशन में बदलाव अगर आता है तो नए बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए, वो जल्दी बिलीव नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज कि वो मानते हैं कि रिसर्च स्टडी, राइट, जो पुरानी है, जो पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे चल रही है वही सही है, या फिर कॉस्ट इफेक्टिवली जो नई स्टडीज़ प्रैक्टिसेस आ रही है वो ज़्यादा आउटपुट देंगे या नहीं कम एफर्ट्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, दैट्स वाई ये भी एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर नर्सेज इन इंडिया, स्पेशली फॉर बेडसाइड नर्सेज। द एविडेंसेज आर नॉट रीचिंग टू नर्सिंग यूजर्स इन द कंट्री। कभी कभी कुछ नर्सिंग प्रोफेशनल्स को कंटिन्यूइंग एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, स्पेशली फॉर बेडसाइड नर्सेज इफ़ वी टॉक अबाउट। तो इस सिनेरियो में जो नर्सिंग यूजर्स हैं, जो बेस्ट एविडेंसेस को यूज़ करते हैं, राइट, तो ऐसे प्रोफेशनल्स तक ये बेस्ट एविडेंसेस पहुंच नहीं पाते। अगर कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं मिलेगा तो एविडेंसेस उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्वालिटी नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव्स अमंग नर्सिंग लीडर्स एंड मैनेजर्स टू क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन इंडियन सिनेरियो। द जूनियर स्टाफ आर स्केयर्ड टू सजेस्ट देयर ओल्डर सुपीरियर्स टू इम्प्लीमेंट बेटर न्यू ईयर एविडेंसेस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। कभी कभी देखा गया है कि जो लीडर्स एंड मैनेजर्स होते हैं, राइट, तो वो नए रिसर्च या एविडेंसेस को यूज़ करने के लिए इनिशिएटिव स्टेप्स नहीं लेते, राइट, और उनके जूनियर स्टाफ्स हैं वो भी डरते हैं सजेस्ट करने से कि सुपीरियर्स को कैसे कहें कि ये जो न्यू ईयर एविडेंसेस हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसे यूज़ करें। तो ड्यू टू दिस ऑल्सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। नई रिसर्च की यूटिलाइजेशन के लिए कुछ लोग रिलक्टेंट फील करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिशियन डोमिनेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। थर्स नर्सेज आर नॉट गिवन ऑटोनॉमी टू इम्प्लीमेंट न्यू ईयर बेटर क्लिनिकल नर्सिंग एविडेंसेस इन प्रैक्टिसेस। इट मीन्स नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, राइट, जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो हॉस्पिटल साइड वी आर नोइंग कि फिजिशियन का डोमिनेंट नेचर रहता है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन दिस सिनेरियो जो बेस्ट एविडेंसेस है, राइट, वो हम यूटिलाइज कभी कभी नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस रूल्स आर वेरिएबल बेस्ड, नॉट ऑन अ कंप्लीट प्रैक्टिस एंड लिमिटेड और एब्सोल्यूट इकोलॉजिकल वैलिडिटी ऑफ दिस एविडेंसेस। इट मीन्स
जो साइंटिफिक एविडेंसेस के जो रूल है वो वेरिएबल बेस्ड रहते हैं, नॉट ऑन अ कंप्लीट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बेस्ड नहीं रहते, तो यहाँ पे ये बैरियर का काम हो जाता है। नेक्स्ट द लास्ट वन, द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और इंसेंटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। कभी कभी कुछ प्रोफेशनल्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने प्रैक्टिसेस में, राइट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एडमिनिस्ट्रेटिव का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता या उन्हें जो इंसेंटिव्स मिलना चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड नहीं होता, राइट, उनका अप्रिसिएशन नहीं होता। तो ड्यू टू दिस ऑल्सो ये एक बैरियर हो जाता है कि प्रोफेशनल्स इतना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग रिसर्च, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।